हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी शालिनी और अपने चैनल शालिनी ब्लॉग्स में आप लोग का स्वागत करती हूं। और आज मैं फिर पढ़ने के लिए बैठ गई हूं, तो आज भी थोड़ा सा लेट हो गया। और मैं आज थोड़ा सा नौमी थी, दुर्गा जी की नौमी थी, तो काफ़ी टाइम हो गया। आज दिन भर मुझे पूजा पाठ करना था, काम करना था, घर में खाना बनाना था और भगवान को भोग के लिए भी बनाना था, तो बहुत सारा काम था। मुझे आज टाइम नहीं मिला, मैं आज पूरे दिन पढ़ नहीं पाई, तो मैं इस टाइम पढ़ने के लिए बैठी हूँ अभी। और शाम की जो है 5:30 बज रहे हैं। मैं सबको चाय दे करके, सब लोग चाय पी चुके, तो अब मुझे टाइम था कि मैं पढ़ लूँ, क्योंकि जो है खाना मुझे बनाना है, तो 8:30-9 बजे बनाना होगा। बीच में उठूँगी थोड़ा सा चाय वाय देने के लिए सबको, तो बस वही उठना है, नहीं तो मुझे उठना नहीं है। अब मेरे पास समय है पर्याप्त, तो मैं 2 घंटे पढ़ सकती हूँ। तो इस समय जो है, आप लोग को मैंने बताया है कि मेरा UPPCS का जोन में एग्ज़ाम है, जिसकी प्रिपरेशन मैं कर रही हूँ। उसके साथ में मैंने BEd भी किया हुआ है, तो मैं सुपर टेट की भी प्रिपरेशन करती हूँ। तो मैं हिम्मत नहीं हार रही हूँ, मैंने अपनी पढ़ाई जारी रखी है, कोई दिक्कत नहीं। काम के साथ भी कामयाब होने के लिए अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है, लोग तो पीछे तब आते हैं जब हम कामयाब होने लगते हैं। मैंने जैसा आप लोगों को बताया कि मेरी सुपर टेट की भी प्रिपरेशन साथ में चल रही है, तो मुझे दो दो चीज़ें लेके चलनी है। और वैसे अभी सुपर टेट की वैकेंसी ही आई है, तो उतना प्रेशर नहीं है, फिर भी मैं साथ में पढ़ाई जारी रखी हूँ उसकी भी। लेकिन सबसे पहले मेरे लिए ज़रूरी है मेरा PCS का एग्ज़ाम जो जून में है, उसकी प्रिपरेशन मेरे लिए सबसे ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि हमें काम भी करना है और साथ में उसी में हमें समय भी निकालना है, तो हमारे जैसे कितने लोग होंगे जिन्हें घर में काम भी करना होता होगा, पढ़ना भी होता होगा। तो आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप कभी भी हिम्मत मत हारिए, अपनी पढ़ाई जारी रखिए। इसी में थोड़ा 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 समय निकाल के ही एक दिन हम कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। हम पढ़ सकते हैं, हम घर का काम भी कर सकते हैं, जिम्मेदारियां भी निभा सकते हैं। ये वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य बस यही है सिर्फ, कि आप लोग को मैं मोटिवेट कर सकूँ, जो मेरे जैसे हैं, जिनकी शादी हो गई है, जो लोग अपनी जिम्मेदारियों में हैं। और बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनके पास बच्चे भी होंगे, वो अपने पढ़ाई के लिए समय नहीं निकाल पाते हैं। तो मैं ऐसे ही लोगों को मोटिवेट करने के लिए ऐसे वीडियो रोज़ बनाती हूँ। ऐसा नहीं है, मुझे भी दिक्कत होती है, मैं रिकॉर्ड करती हूँ, एडिट करती हूँ उसको, इसके बाद जो है इसमें अच्छे अच्छे थॉट लाकर लगाती हूँ, करती हूँ, बहुत सी चीज़ें हैं। मुझे भी दिक्कत होती है, क्योंकि मुझे भी पढ़ाई के साथ साथ काफ़ी चीज़ें देखनी रहती हैं। लेकिन मैं ये वीडियो इसीलिए डेली का रूटीन, डेली स्टडी रूटीन करके बनाती हूँ, कि मैं लोगों को मोटिवेट कर सकूँ पढ़ने के लिए। जैसे मैं पढ़ रही हूँ, वैसे आप भी पढ़ सकते हैं, जब भी आपको समय मिले। 24 घंटे में ऐसा नहीं, अगर हम 2 से 3 घंटे भी अपने लिए समय निकाल लेते हैं पढ़ने के लिए, तो वो बहुत है। ना पढ़ने से अच्छा है कि 2-3 घंटे पढ़ा जाए, काफ़ी अच्छा होता है। अगर आपका भी एग्ज़ाम है, कोई भी एग्ज़ाम हो, ज़रूरी नहीं मैं कहती कि सुपर टेट का ही एग्ज़ाम हो या PCS का एग्ज़ाम हो, आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, तो आप जो है अपना समय निकाल के पढ़ते रहिए, क्योंकि समय कीमती होता है और जो चला जाएगा वो फिर वापस नहीं लौट के आता है। धीरे धीरे हमारी जिम्मेदारियाँ बढ़ती ही हैं, जिम्मेदारी कभी हमारी कम नहीं होती है, तो हमें इसी में से समय निकाल के पढ़ना है। तो आप लोग भी अपनी पढ़ाई जारी रखिए। आज मुश्किल है, कल थोड़ा बेहतर होगा, बस उम्मीद मत छोड़ना, भविष्य ज़रूर बेहतर होगा। इतनी अच्छी लाइन लिखी गई है, ये बहुत अच्छा लगा मुझे पढ़ के, कि कभी भी मुश्किल से आपको हारना नहीं चाहिए, उम्मीद मत छोड़िए और भविष्य आपका ज़रूर बेहतर होगा, बस लगे रहना चाहिए। तो एक और लाइन है इसके साथ साथ जो मैं आपको बता रही हूँ, ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है, ना हारूँगा हौसला उम्र भर, यह मैंने किसी से नहीं खुद से वादा किया है। तो ये भी एक मोटिवेटेड लाइन है जो मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। मैं इसीलिए अपने वीडियो में 3 से 4 जो है मोटिवेटेड लाइन इसीलिए देती हूँ कि आप मोटिवेट हो सकें। जो है इसी वीडियो के साथ मैं एंड करती हूँ। थैंक यू।